Hi, this is Tamanna and I'm a Chandigarh localite, and I'm really very happy that I have got my visa, and that too in 18 days. And like every Punjabi kid, I was also having a dream from the very starting to study abroad. But jaise jaise main badi hui, thodi samajh aane lagi ki sirf Canada jana hi zaruri nahi hai, padhna bhi zaruri hai aur life mein success bhi zaruri hai. So the first step Canada jane ke liye IELTS wo clear kiya maine within 2 months. 7 bands आ गए मेरे. चलो फिर आगे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. तो इंडियंस के माइंड में क्या आता सबसे पहले कि एजेंट ढूंढो एजेंट. तो एजेंट नहीं ढूंढना था मुझे, मुझे गाइडेंस चाहिए थी. तो मैंने बहुत लोगों के पास मैंने पूछा, अपने फ्रेंड्स को जो बाहर ऑलरेडी थे, कनाडा थे, ऑस्ट्रेलिया थे, कि कोई अच्छी मुझे गाइडेंस जहाँ से मिल सके मुझे बताओ. तो देन फाइनली मैं बहुत ज़्यादा घूमी. मैं जलंधर गई, मैं चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, बहुत जगह मैं बहुत एजेंट्स के पास, बहुत इंस्टीट्यूट्स के पास गई, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली. देन फाइनली वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड सजेस्टेड IDP, एंड देन इन सेप्टेम्बर 2022 आई विजिटेड IDP फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड देन आई मेट वन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव. ही वॉज वेरी कूल एंड वेरी पेशेंट इन नेचर. उन्होंने मुझे सब कुछ यू नो बहुत ईजी वे में, बहुत स्मूथ वे में बताया. तो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. एंड आई एम गोइंग फॉर इवेंट मैनेजमेंट एंड इन सेंट क्लेयर कॉलेज ऑफ इंसर. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ दीज 10 कॉलेजेस, जो हर एजेंट करता है, जो हर इंसान करता है, कि आपके पास ये लिस्ट है, इसमें से चूज़ कर लो, आपको हम ये मैनेजमेंट का कोर्स देंगे, फलाना कोर्स देंगे, ये देंगे. उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या कोर्स चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए. सो मैंने रिसर्च किया हुआ था पूरा कि मैंने बीए की है, मैं ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी हूँ, तो मुझे किस कोर्स में जाना है. तो मैंने वो कोर्स सिलेक्ट किया जिसका इंडिया में भी स्कोप था और कनाडा में भी स्कोप था, कि इन केस अगर मुझे कभी वापस आना है अपनी होम कंट्री में तो मुझे बेनिफिट कर सके. तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट कोर्स चूज़ किया. एंड देन सिटी चूज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क था, तो मैंने वो सिटी चूज़ की जहाँ पे मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो सेट हो सके, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे मेरे कज़न्स हैं. मैंने विंडसर चूज़ किया. ऑल दो लोग बड़ी सिटीज़ की तरफ जाते हैं, ब्रैम्पटन, टोरंटो, लेकिन मैंने, मेरे लिए जो बेस्ट था मैंने वो चूज़ किया. मैं किसी की तरफ नहीं गई, मैंने किसी की सुनी नहीं. इवन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि कोई अच्छी सिटी चूज़ करो, कोई बड़ी सिटी चूज़ करो, बट मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो चूज़ किया. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि IDP के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे ये बोला कि जो आपको चाहिए आप हमें अपनी प्रेफरेंस बताओ, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे. देन उसके बाद स्टार्ट होता है अगला प्रोसेस, दैट इज़ GIC फी पेमेंट. दैट वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्विक. विद इन 1 month मेरा सारा कुछ काम हो गया था, लाइक मेडिकल अपडेट वगैरह सब कुछ. एंड द बेस्ट थिंग आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंग है वो ये कि मेरा वीज़ा 18 डेज में आया. सो आई वुड लाइक टू मैंशन, लाइक 5 December को मैंने वीज़ा फाइल लॉन्च की थी. एंड आई एम वर्किंग एंड आई वर्क इन नाइट शिफ्ट. सो द बेस्ट पार्ट वॉज मैं रात को ब्रेक पे थी अपनी नाइट शिफ्ट में, रात को 2 बजे से, तो मुझे मेरे अकाउंट में मैसेज आता है कि वी हैव सेंड यू अ मैसेज. तो मैंने अपना अकाउंट ओपन किया तो मुझे PPR का मैसेज आ गया था कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया. मैं बिल्कुल वो पागल हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि ये मैसेज है क्या. मैंने अपनी फ्रेंड को कनाडा को रात में 2 बजे कॉल किया. आई डोंट नो उस टाइम पे वहाँ पे क्या टाइम था, शायद 4 बज रहे थे वहाँ पे. तो उसको कॉल किया, मैंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उसने मुझे बोला पागल तेरा वीज़ा आ गया है. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, लाइक 18 डेज में मेरा वीज़ा आ गया. सो आई वुड लाइक टू थैंक IDP. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड, जस्ट गो टू द राइट स्पॉट, दैट इज IDP. एंड इधर उधर मत देखो, सीधा IDP चले जाओ, आपको बेस्ट वहाँ पे ही जो गाइडेंस है वो मिलेगी. थैंक यू.